Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalinda. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you UGC NEET Sociology June 2013 paper 2nd and uska ye part 2nd rahega kyunki pehla part maine discuss kiya hai. To start karte hain question number 21 se. Assertion: The postulate of functional unity of society maintains that all standardized social and cultural beliefs and practices are functional for society as a whole as well as for individuals in society. देखो ऐसे बड़े क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है. हाईलाइट करके यहाँ पे पढ़ते हैं हम, रिपीट एक बार. द पॉस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी. देखो जो फंक्शनलिस्ट है उन्होंने एक अजम्पशन किया है, प्रेडिक्ट किया है कि सोसाइटी किस तरह से फंक्शनल है, किस तरह से सोसाइटी फंक्शनल है और वह उसका फंक्शनलिज्म किस तरह से वो मेंटेन करती है. द पॉस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी मेंटेन्स दैट ऑल स्टैंडर्डाइज्ड सोशल एंड कल्चरल बिलीफ and practices are functional for society as a whole as well as for individual in society. Society ki unity banaye rakhne ke liye standardized social and cultural beliefs and uske practices wo functional hai society ke liye bhi aur individual as a person ke liye bhi functional hai. Correct hai. Second, the above said standardized items are indispensable part of the working whole. ये जो standardized social and cultural beliefs and practices है वह indispensable part है of the working whole. Society में यह indispensable है, ये भी correct है. Take your time. The correct answer is option A. Both A and R are true, but R is the is not the correct explanation of A. Radcliffe Brown और Malinowski ने सबसे पहले functionalism का theory दिया. तो functionalism को यह assumption किस तरह से करते हैं, तो तीन चीजें basically यहाँ पे important है. First है postulate of the functional unity of society. Society में एक functional unity होती है, हर पार्ट सोसाइटी का एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और वह फंक्शंस करता है अच्छी तरह से, यानी कि रिलीजन और एजुकेशन एक दूसरे के साथ होते हैं, रिलीजन फैमिली एक दूसरे के साथ होते हैं, फैमिली और एजुकेशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. बट मर्टन इसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है. मर्टन रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल ऑटोनॉमी. नहीं, मर्टन कहता है कि ठीक है फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी होगी, बट इस समय में अभी मॉडर्न ईरा में फंक्शनल ऑटोनॉमी भी है. कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो ऑटोनॉमी के साथ वर्क करती है समाज में. पॉस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, सेकंड पॉस्टुलेट है यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, यानी कि फंक्शनलिज्म के जो सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस है वो हर जगह पे फंक्शंस करते हैं. यूनिवर्सल उसका फंक्शनलिज्म है और हर जगह उसका इम्पैक्ट सेम ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ऐसा फंक्शनलिज्म कहते हैं. बट आर के मर्टन कहते हैं ही रिप्लेस्ड बाय फंक्शंस डाई फंक्शंस एंड नॉन फंक्शंस. वह कहते हैं कि हर सोसाइटी में जो एवरी एक्शन जो हो रहा है वह पॉजिटिव ही फंक्शंस उसका है, ऐसा नहीं हो सकता. तो उसके डाइस फंक्शन भी होते हैं और कुछ नॉन फंक्शन भी उसके हो सकते हैं. निगेटिव इम्पैक्ट को भी यहाँ पर देखते हैं. थर्ड है पॉस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, यानी कि फंक्शनलिज्म और उसके पार्ट्स इंडिस्पेंसिबल हैं, वह इम्पॉर्टेंट है और हर जगह पे कंपलसरी होते ही है. तो मर्टन कहते हैं नहीं, ही रिप्लेस्ड फंक्शनलिज्म टू फंक्शनल अल्टरनेटिव. कुछ फंक्शनल अल्टरनेटिव भी है, यानी कि वो एग्जाम्पल देते हैं रिलीजन समाज को जोड़ने में मदद करता है, ऐसा फंक्शनलिज्म कहता है. रिलीजन क्रिएट सॉलिडेरिटी बिटवीन पीपल एंड कम्युनिटी, बट
आर के मर्डन कहते हैं, नहीं चाइना में जाओ आप या रशिया में जाओ या कम्युनिस्ट कंट्री में जाओ, वहां पे रिलीजन को रिप्लेस किया है किसने, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने और कम्युनिज्म ने। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अडॉप्ट द फंक्शनल अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फेनोमेना, इनमें से किसने फंक्शनल अप्रोच को अडॉप्ट नहीं किया है। टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जे हैबरमास, क्योंकि जे हैबरमास बिलोंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल, कहाँ है, जर्मनी में है, क्या करता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल थ्योरी बनाता है, बेसिकली फेलिक्स वेल, इन्होंने यह स्कूल वहाँ पे जर्मनी में शुरू किया था, इसीलिए डेवलपिंग मार्क्सिस्ट स्टडीज इन जर्मनी, मार्क्सिस्ट स्टडी डेवलप करने के लिए जर्मनी में उन्होंने ये स्कूल बनाया गया था। जे अलेक्जेंडर न्यू फंक्शनलिज्म के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 23, द व्यू दैट अथॉरिटी रिलेशंस आर द मेन कॉज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट वाज हेल्ड बाय हुम, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज डेरेंडॉर्फ, पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है किस तरह से अथॉरिटी रिलेशन में सोशल कॉन्फ्लिक्ट को डेरेंडॉर्फ ने बताया है कि जैसे सुपरऑर्डिनेट कुछ होते हैं, सुपरऑर्डिनेट होते हैं कुछ और कुछ सबऑर्डिनेट होते हैं, इनके बीच में एक लड़ाई हमेशा शुरू रहती है। Who among the following has classified status in terms of silent status, dominant status and controlling status? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज आर के मर्टन। देखो जब भी क्वेश्चन आता है साइलेंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस और कंट्रोलिंग स्टेटस, एक्चुअली आर के मर्टन ने स्टेटस को क्लासिफाइड किया है साइलेंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस और कंट्रोलिंग स्टेटस में। क्वेश्चन नंबर 25, वॉट इज कॉमन टू मैजिक रिलीजन एंड साइंस, मैजिक रिलीजन और साइंस में कॉमन क्या बात है, टेक योर टाइम, आंसर इज ऑप्शन सी, ओरिएंटेशन टुवर्ड द अननोन, मैजिक, जादू, रिलीजन और साइंस तीनों भी नोन, जो चीजें पता नहीं है उस चीजों को इन्वेंट करने के लिए यूज किया जाता है इन तीनों का, मैजिक, रिलीजन और साइंस का। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ डायलेक्टिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज डीपी मुखर्जी। देखो इंडियन सोसाइटी का जब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से हम स्टडी करते हैं तो उसको डायलेक्टिक अप्रोच भी कहते हैं, तो उसमें ईआर देसाई भी आते हैं और रामकृष्ण मुखर्जी भी आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब ए सोशल सिचुएशन, सोशल इवेंट्स, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, टेक यू टाइम, ये रिसर्च से क्वेश्चन बिलोंग करता है, करेक्ट आंसर इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब, कौन सा रिसर्च डिस्क्राइब करता है सोशल सिचुएशन, सोशल इवेंट, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर को, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट इवेंट को, प्रेजेंट इवेंट की जो कंडीशन है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज, क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 28, ए यूनिवर्सिटी हैज 7530 स्टूडेंट्स एंड ए रिसर्चर draws 10% sample from it amounting to a total 7503
दिस इज कॉल्ड, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज सैंपल रेशियो. इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 29, विच टेक्निक ऑफ क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन इज फॉलोड बाय रिसर्चर टू अंडरस्टैंड पीपल एंड देयर बिहेवियर थ्रू डायरेक्ट फोकस्ड एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन इन देयर नेचुरल सेटिंग. क्वालिटेटिव टेक्निक इन्होंने पूछा है, विच टेक्निक ऑफ क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन की ऐसी कौन सी टेक्निक रिसर्चर फॉलो करता है लोगों को समझने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए डायरेक्ट फोकस्ड एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन के द्वारा. वहां पे जाता है, फोकस रहता है, बट कुछ उनको बातचीत नहीं करता, उनको बोलता नहीं है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन हम कर सकते हैं. तो उसमें बेसिकली वहाँ पे जाना पड़ता है, फोकस्ड रहना पड़ता है और नॉन वर्बल इंटरेक्शन, उनको बातचीत करना नहीं है, बस देखना है और ऑब्जर्व करना है और डाटा कलेक्शन करना है. क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देखो, कार्ल मार्क्स ने मींस ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं. मींस ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, कैपिटल, टूल्स आते हैं. ये लिख लीजिए आप कई बार. मींस ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, कैपिटल और टूल्स आते हैं, और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ये सब प्लस ह्यूमन लेबर. इसमें एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं. जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने क्या बताया, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के एलिमेंट्स क्या है. तो पहले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के एलिमेंट्स हमको पता होना चाहिए कि इसमें लैंड है, कैपिटल, टूल है. इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, तीनों भी एलिमेंट हो जाते हैं. तो कौन सा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इस तरह से हार्ड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन रिचुअल्स इन हिज थ्योरी. टेक योर टाइम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रैंडल कोलिंस. देखो, रैंडल कोलिंस एक रेडिकल माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे और अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे. उन्होंने इंटरेक्शन रिचुअल्स इन एवरीडे लाइफ दैट एक्सप्लेन वेरिएशन इन ग्रुप सॉलिडेरिटी, कमिटमेंट टू सिम्बॉल्स, इमोशनल एनर्जी इन इंडिविजुअल्स, या इंटरेक्शन रिचुअल्स को बताया है. सिंपल वे में हम कह सकते हैं, रैंडल कोलिंस यह कहते थे कि उन्होंने तीन जो चीज़ें हैं उन्होंने बताई थी, सेक्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड स्मोकिंग. ये चीज़ें डिफरेंट होके भी इनके पीछे एक जो ड्राइविंग फोर्स है वह फोर्स सेम है. तो वह क्या है, इंटरेक्शन. देखो, स्मोकिंग करते टाइम पे लोग पहले तो एक दूसरे एक साथ आते हैं, तो एक साथ वह उनका इंटरेक्शन होता है, रिपीटेटिव इंटरेक्शन होता है, और उसके बाद उनको वो हैबिट लग जाती है. तो उसी तरह से वह कहते हैं, सोशल सिचुएशन आपको समझनी है तो ओनली आप फेनोमेनोलॉजिकल और या इथनोमेथोडोलॉजिकल बेसिस पे नहीं समझ सकते. तो उसके लिए आपको इंटरेक्शन रिचुअल्स, उनकी जो थ्योरी है, यानी कि जब लोग एक साथ आते हैं तो एक साथ आने के बाद वह कुछ चीज़ें कलेक्टिवली करते हैं, तो उसको एक मीनिंग वह देते हैं, तो वह सिंबल बनता है और वह एक्शन उनके लिए एक इमोशनल फोर्स की तरह काम भी करती है. क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट the withdrawal of legitimacy from an existing system of inequality is a critical precondition for conflict. Take your time. The correct answer is option B, Yelkoger. Yelkoger कहते हैं, he argues that withdrawal of legitimacy
फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें से अगर आप इन लीजिटिमेसी को भी निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, इट्स क्रिटिकल प्रीकंडीशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, थीमेटिक एंड टेस्ट टेक्स्ट एनालिसिस आर यूज्ड इन टेक अ टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कंटेंट एनालिसिस। देखो थीमेटिक का मतलब क्या है, थीम, हम थीम और टेक्स्ट एनालिसिस, थीम और टेक्स्ट एनालिसिस का यूज कब करते हैं, जब हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 34, द स्टडी ऑफ रिकॉर्डेड ह्यूमन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, मैगजीन, songs, poem, speeches, etc. are known as, take your time, correct answer is content analysis. Content analysis में हम study of recorded human statement का जो record है उसका study करते हैं, उसमें basically newspaper, magazine, songs, poem और speeches ये include है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलायबिलिटी अकॉर्डिंग टू किर्क एंड मिलर। किर्क एंड मिलर के हिसाब से रिलायबिलिटी का कौन सा फॉलोइंग में से टाइप नहीं है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। उन्होंने तीन टाइप की रिलायबिलिटी बताया है उन्होंने, एक है क्यूजोटिक, उसका मतलब है सर्कमस्टांसेस इन विच सिंगल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यील्ड्स द सेम मेजरमेंट रिपीटेडली। सिंगल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन की सिंगल मेथड है, वह यील्ड्स द सेम आर मेजरमेंट रिपीटेडली, वह सेम मेजरमेंट रिपीटेडली यील्ड करता है, यानी कि एक ही मेथड से आप ऑब्जर्वेशन करके सेम रिजल्ट दे सकते हैं क्यूजोटिक से। सी डायक्रोनिक स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्जर्वेशन में स्टेबिलिटी होता है। और सिंक्रोनिक का मतलब, सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इसमें सिमिलैरिटी होती है। इसका कौन सा टाइप नहीं है, डायलेक्टिकल टाइप नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सा इनमें से मेजरमेंट नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी का, तो मीन हमने पिछले वीडियो में देखा था, मीन है, मीडियम है और मोड भी है, तो कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से विड्थ एंड लेंथ हम देखते हैं, बट मीन मोड मीडियम से विड्थ और लेंथ का हम पता नहीं कर सकते। थैंक्स दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।